ओबीसी की जनगणना इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि यह अवसर आए सरकार को भी, ये मौका आपको खोना नहीं था स्वामी जी। मोहिनी जी, ऐसे मंत्रिमंडल में तुम्हारी बात नहीं सुनते तो क्यों बैठे हो ऐसे? होने दो ओबीसी के लिए एक लड़ाई, लोग सर पर उठाएंगे आपको। नारायण स्वामी जी को नहीं बता रहा हूँ, नारायण स्वामी जी को नहीं बता रहा हूँ। तो अध्यक्ष महोदय, ये मामला जनसंख्या का है, अगर 80 साल जनसंख्या ओबीसी की गणना नहीं हो, क्या एक कॉलम भरना है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ओबीसी, और ओबीसी लिख के आपने कास्ट लिखेगा, उसमें नुकसान क्या है सरकार का? उनका और किसी ने मांग नहीं की, सारी ओबीसी संगठन देश में मांग कर रही है कि जनसंख्या इसके सेंसस होना चाहिए, ये मांग उठा रही है। आप सरकार का गूंगी है कि उनके कान पर भी नहीं कि ओबीसी आवाज उठा रहे हैं। आज मैं कहना चाहता हूं सरकार को, आज मंत्री महोदय जब जवाब देंगे तो उनको ये घोषणा करनी चाहिए कि ओबीसी की अलग जनगणना होगी। अगर नहीं करेंगे तो ओबीसी का एससी का है, एससी एंड ओबीसी, अगर नहीं करेंगे तो 75% पॉपुलेशन का गुस्सा लोगे। आज एक समय सरकार आपकी है, सरकार किसी की भी हो, सरकार को होता है समाज को न्याय देने का। प्लीज कंक्लूड प्लीज। वो न्याय देने का काम आप करें, न्याय देने का फर्ज करें, एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर आई है, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिस कॉन्स्टिट्यूशन में पिछड़े हुए वर्गों को न्याय देने की भूमिका डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखी है, उस बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना और भारत के सभी गरीब लोगों की एक आशा आकांक्षा है कि लोकतंत्र में हमें न्याय मिलेगा, ये विश्वास के साथ 63 ईयर्स वो जीता है, वो विश्वास कभी न कभी पूरा करो। ज्यादा कुछ मंग नहीं रहे, केवल हमारी जनगणना करो, हम इस देश के नागरिक हैं, हमारी भी गिनती करो। तो एक बार ये गिनती करो। जय हिंद। थैंक यू।